हिंदू धर्म में दान का अत्यधिक बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन किन चीजों का दान करना अशुभ माना गया है, आइए जानते हैं उज्जैन के पंडित आनंद भारद्वाज जी। भारतीय संस्कृति में तथा शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व कहा गया है तथा हर व्यक्ति को किसी न किसी वस्तु का दान करने को राशि के उपलक्ष्य में कहा जाता है कि इस राशि व्यक्ति को इस प्रकार की वस्तु दान करना चाहिए तथा इसी वस्तु दान करना चाहिए। परंतु दान देने से पहले भी कुछ विचार करना चाहिए कि उसमें क्या दान करना और क्या दान नहीं करना, कैसी वस्तुएँ दान करना है। उसमें से मुख्यतः दान में के भी नियम कहे गए कि दान के नियम क्या होते हैं। दान के नियम में अगर अपन चाहें तो इसमें बहुत सारे नियम आते हैं, परंतु कुछ विशेष नियम इस प्रकार है कि अगर दान में अगर कोई नुकीली वस्तु अपने को नहीं देना चाहिए, केची या सुई वगैरह ऐसा कुछ नुकीली वस्तु दान नहीं देना चाहिए। नुकीली वस्तु दान देने से अत्यधिक कष्ट आदि होता है तथा विपरीत परिणाम होते हैं उससे। तथा दूसरा कहा गया है कि निवार के दिन सती महाराज को प्रसन्नता के लिए अगर अपन कोई दान दे रहे हैं तो तेल उनको चढ़ाया जाता है, अधिकतर तेल का दान दिया जाता है। तेल दान जब अपन देते हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि अपना उपयोग किया हुआ वस्तु शनि महाराज के निमित्त चढ़ाना न चाहिए, उनको दान न देना चाहिए। इससे शनि महाराज बड़े रुष्ट होते हैं तथा क्रोधित होते हैं तथा उसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार अन्न का भी ऐसा होता है कि कई बार देखा गया है कि होटलों में कहीं व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करते यदि कोई मांगने आ जाता है तो अपने ही भोजन में से कुछ उसको निकाल के दे दिया जाता है, झूठा दे दिया जाता है, अपने थाली में से निकाल कर दे दिया जाता है। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अन्न जो अपनी थाली में आ जाता है अगर अपन ने उसमें से एक ग्रास भी ग्रहण किया है तो झूठा हो जाता है, वो अन्न दान नहीं देना चाहिए। उस अन्न के दान देने से विपरीत परिणाम मिलता है तथा उसका लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार वस्त्र का दान है, वस्त्रों का दान अधिकतर देखा गया है कि व्यक्ति वस्त्रों का दान करता है उसमें अपने पहने भी वस्तु अपने को अपने पहनी हुई वस्तु तथा अपने फटे पुराने कपड़े जो है फटे हुए वस्तु उसको दान दे दिया जाता है, परंतु ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं होता है तथा विपरीत उससे परिणाम प्राप्त होते हैं।